Live? Okay. Good morning, friends. This is Tej from Channel Indian Barber. आज मैं हूँ ग्रैंडपा बार्बर के साथ, 8 इयर्स ओल्ड सुपर हीरो और उनके चैंपियन के साथ. क्या नाम है तुम्हारा? मुकुल ठाकुर. मुकुल ठाकुर. मुकुल ठाकुर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप सभी लोग पूछ रहे थे कि ग्रैंडपा बार्बर के क्या स्टोरी, क्या हुआ. तो आज मैं राउरकेला आया हूँ और मैंने सोचा लाइव आके आप सभी को एक बार रूबरू करवा दूँ, उनके फैमिली से भी, और क्या दिक्कत इनको हो रही है. जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जो इनकी मेडिकल इशू है उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में, किस किस प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं, क्या इनको फेस करना पड़ रहा है. तो अभी जो है ये बच्चा ऑपरेशन करा के अभी आया है, तो मैंने सोचा एक बार आपसे कंसल्ट कर लूँ लाइव के थ्रू. तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उनकी मॉम, उनकी मदर को, उनके फादर को और उनके दादा से तो आप मिल ही चुके हैं, ग्रैंडफादर से. आइए, ये उनकी मदर है, ये उनके फादर है. जो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो इधर नहीं थे, वो ऑपरेशन कराने को गए थे. तो कितना समय लग गया आपको ऑपरेशन से रिटर्न आते में? अभी तो फिलहाल 1 महीना. मैं आई थिंक मैं 1.5 महीने पहले यहाँ पर आया था, मैं दादा से मिला था. और हीरो फिर से अपना नाम बता दो. मुकुल ठाकुर. मुकुल ठाकुर, तुम चैंपियन हो, लेकिन कौन सा हीरो बताया तुम्हें पसंद है? स्पाइडरमैन. ओके, एनीवेज इज रियली चैम्पियन. आप बताएं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है बेसिकली? एक्चुअली इसे बचपन से ही जब हम लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराए थे तो पता चला हमें कि इसके जो बाथरूम के रास्ते में छेद नहीं है, उन्होंने बताया था. तो जब ये लेटरिन करता था उस रास्ते से, इसको बाथरूम जब जोर से करता था तो वहाँ से बह जाता था इसका यूरिन बह जाता था. तब जब हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के गए तो उन्होंने बताया कि इसका जो यूरिन के 2 पाइप है और वो एक मोशन के रास्ते में है और एक यूरिन के रास्ते में. इसलिए जब ये मोशन करता है तो मोशन के रास्ते में तो छेद है नहीं, तो वहाँ से ड्रॉप होता, और बाकी जब ये जोर लगाता तो ये मोशन के रास्ते से हो जाता था. तो उन्होंने बताया कि इसका फर्स्ट टाइम तो जब हम लोग टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में गए थे वहाँ पे दिखाए थे, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है. तो उन्होंने एक सोल्यूशन करके एक नाभि के नीचे एक छेद बनाया था उन्होंने, हॉल डायरेक्ट ब्लैडर में हॉल कर दिए थे उन्होंने. वहाँ से यूरिन हर समय पास होते रहता था, मतलब कि ऊपर से पानी पीता और नीचे से यूरिन पास होता. तो करीबन उसको 6 साल हो गए. फिर 6 साल बाद हम लोग यहाँ वहाँ दिखा ही रहे थे, तब तक कि मतलब हमें बेंगलोर के बारे में पता चला, बेंगलोर के हॉस्पिटल जयनगर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड. आप गए थे अभी वहीं पर थे जी. तो वहाँ के बारे में किसी ने हमको बताया, तो हम वहाँ पे लेके गए. तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि इसको तो आपके बच्चे को जो नस नहीं वहाँ पे, और मतलब कि बाथरूम के रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो हम लोग ने, तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने ये ऑपरेशन होगा, तो हम लोग एग्री हो गए कि करवाना तो पड़ेगा ही हमें. फिर उन्होंने बताया कि इसको एक डुप्लीकेट ब्लैडर बैठाएंगे, फिर वहाँ ये पेट में एक छेद हॉल करेंगे जिससे ये पाइप डालेगा. तो अभी ये पाइप के थ्रू ही शुरू से यूरिन करते हैं. क्या मैं दिखा सकता हूँ अपने ऑडियंस को एक बार? जो है मैं सारा इनका जो डिटेल्स है, जो भी इनके मेडिकल पेपर्स हैं, मैं सब लास्ट में दिखा दूंगा. मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या, इसके थ्रू ये यूरिन ऑलवेज पास करता है. ये देखिए इस तरह से, ये इसे ऑपरेशन, ये इसे ऑपरेशन हुआ था इस पोर्शन पे. यहाँ से पाइप कनेक्ट करता है. अभी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ. ये पाइप यहाँ वो कनेक्ट करता है और इससे यूरिन करता है. दिस इज़ वेरी 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 सैड. ये ऑलवेज इस तरह की चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है इसे, बट ही इज़ अ ब्रेव. ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड. इसकी 9, ही इज़ इन क्लास 9. और बहुत ही मतलब कि इसकी ग्रोथ रुकी हुई है. यू कैन सी कि अभी ये मैं जब इधर एंटर किया तो मुझे लगा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 14 ईयर्स ओल्ड है तो थोड़ा ग्रोथ अच्छा होगा. मैं आई एम नॉट टेलिंग इट क्लियरली सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड. ही फील सैड, दैट्स व्हाई आई एम, यू नो, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि 14 इयर्स ओल्ड बट ये उस ग्रोथ को लग नहीं रहा है. अच्छा, इसे पकड़ो.
तो बहुत सारी दिक्कत भी आपको हुई होगी। मैं लास्ट टाइम जब आया था मैंने देखा कि बाबा किस तरह, बिकॉज 80 इयर्स ओल्ड हैं ये, उनको इस समय में घर पे होना चाहिए और अपने इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो काम करते हैं, वो मसाजेस देते हैं। आई फील वेरी बैड, मतलब मुझे भी इनफैक्ट मसाज लेने में अच्छा नहीं लगता, बट मेरा काम है, मैं एक्सप्लोर करता हूँ। और बहुत सारी दिक्कत भी आप लोगों को होती होगी। जी सर, जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे ओनली फॉर या तो इंग्लिश या फिर कन्नड़ में चलता है, तो हम लोग को तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है और हम लोग हिंदी में बात करते थे, डॉक्टर हमसे कंसल्ट हिंदी में करते थे। आप साउंड बहुत ही एजुकेट करते हैं, आपने कहाँ तक स्टडी किया? प्लस टू तक। आप साउंड काफ़ी एजुकेशन आपका लगता है लिया, तो इसीलिए डॉक्टर मुझसे ज़्यादा अच्छे से कंसल्ट कर पाते थे, क्योंकि उनको भी अधिकतर मेरे जैसा नॉर्मल हिंदी नहीं बात कर सकते थे वो लोग। तो ये तो हुआ। फिर दूसरा, वहाँ पे हमें मालूम नहीं था कि कहाँ कब तक ठहरना, डॉक्टर्स ने कहा कि एडमिट हो जाइए, तो हम एडमिट हो गए, पर वहाँ पे हमें 3 से 3.5 महीने फर्स्ट टाइम एडमिट होना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम खाने पीने, हमारा घर भी नहीं था वहाँ पे, और जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे मेन प्रॉब्लम था कि लॉजेस भी नहीं है वहाँ पे। पैसा कैसे मैनेज करते थे? पैसे तो वही हम उधारी करके गए और आप फिर थोड़े बहुत हमारे जो फैमिलीज में हैं, इन जैसे इनके बहन हैं, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके मतलब सबसे अरेंज करके गए। और फिर वही खाने पीने में बाबा भी बोलते थे कि यहाँ से जैसे लास्ट टाइम की भेजते थे हर हफ्ते वहाँ पर ऐसे। तो फिर हम लोग ने वहाँ पे खाने पीने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया था कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उस हॉस्पिटल में इसका केस सबसे बड़ा है, मतलब कि उन्होंने बताया था कि 1 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ऐसा होता है। तो अभी फाइनल पोजीशन पे क्या पहुँचे हैं डॉक्टर? बिकॉज मुझे इस वक्त हो सकता है कोई डॉक्टर्स भी सुन रहे होंगे, हो सकता है कि मुझे इससे रिलेटेड कोई किसी भी कंट्री से कोई ना कोई सुन रहा होगा जो ये समझ रहा होगा इसकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकती है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में डॉक्टर ने क्या बोला है कि इसकी जो कंडीशन है? प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम लोग अभी यहाँ पे थे तो इसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, तो हम लोग ने यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत वीक हो गया था ये, तो हम डॉक्टर्स को यहाँ दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपने जहाँ ऑपरेशन कराया आप वहीं ले जाइए। तो जब हम लोग लेके गए तो इसकी जो रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे का जो है किडनी 90% डैमेज हो चुका है, बच्चा सिर्फ 10% पे है। जी अभी रिसेंटली ये 10% पे, जी 10% पे है, तो इसका या तो आप ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा इसका। तो उन्होंने बताया कि मम्मी पापा के लिए बोला गया जी, डॉक्टर्स ने बताया कि अगर मम्मी पापा का किडनी मैच हुआ तो वो 7 से 10 लैक्स लगेंगे, और अगर आपने बाहर से किडनी लिया जैसे मैच नहीं किया तो आपको 30 से 40 लाख रुपए लगेंगे। और फिर उसके बाद में आपको रहना भी बहुत, वो भी जिस हॉस्पिटल में हम लोग जो ऑपरेशन करवा रहे हैं इसका अभी तक चल रहा था उस हॉस्पिटल में नहीं होगा। वो बताया उन्होंने कि एक विक्टोरिया हॉस्पिटल है वहाँ और एक तो सेंट जॉन हॉस्पिटल है वहाँ पर, दूसरे हॉस्पिटल्स में होगा वहाँ नहीं होगा। तो ये ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ फाइनली इसका कुछ ऐसा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर्स ने बताया कि ठीक, मतलब कि प्रॉब्लम बहुत है, मतलब कि है ना कुछ भी गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा या नहीं, बस उन्होंने ऑप्शन दिया है और तीसरा ऑप्शन भी दिया उन्होंने कि अगर जैसे हम नहीं करवा सकते तो फिर तो 10% पे बच्चा अब जितना दिन भी मैं समझ रहा हूँ। फ्रेंड्स आप भी समझ रहे होंगे ये क्या कहना चाह रही है। द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, हिज किडनी इज़ ओनली वर्किंग 10% और डॉक्टर्स आर इन से पॉइंट की इफ द ऑपरेशन हैज़ बिन डन देन ओनली ही विल सर्वाइव और एल्स इट इज़ अप टू गॉड। वेल मैं इनकी जो भी रिपोर्ट्स है कम्प्लीटली जो कम्प्लीट रिपोर्ट्स है एंड ऑल मैं सब कुछ अभी मैंशन कर दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी डाल दूँगा, इसका लिंक मैं दे दूँगा। कुछ डोनेशंस मुझे मिले थे, अभी तक मैंने हैंड ओवर नहीं दिया है, मे बी इन फ्यूचर आई विल हैंड ओवर इट टू देम। मैं इनका फ़ोन नंबर, आई नो कितने लोग देख रहे हैं अभी इसे, ओके अभी इसे 32 लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट किया था फ्रॉम राउरकेला इटसेल्फ
तो मैं इनका एड्रेस एक बार आपको बता दूं। आप यहाँ का एड्रेस बता सकते हो सो दैट आपके राउरकेला से बहुत सारे लोग हैं जो आके मिलना चाहते हैं, ठीक है? या प्रॉपर एड्रेस? ओके, लॉट ऑफ गाइज आर आस्किंग अबाउट डोनेशन, सो मैं इनका अकाउंट नंबर अभी मेंशन करूँगा। कुछ आपके पास अकाउंट नंबर कुछ है ऐसा, डिटेल्स है कुछ ऐसा? ओके, आई विल मेंशन द अकाउंट डिटेल्स ऑफ हिम, हिज फादर। आपका अकाउंट है अकाउंट नंबर आपका? मैं इनका अकाउंट नंबर मेंशन कर दूंगा। इफ़ एनीवन व्हाटएवर द डोनेशन इज, इट डजंट मैटर इट्स अ स्मॉल और हाई, जो भी हो जस्ट डायरेक्टली गिव इट टू हिम। मैं मेंशन कर रहा हूँ इनका एड्रेस, या आप एड्रेस बोल दें, यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बताइएगा सो दैट लोग यहाँ पर पहुँच सके आपके पास में। जी, राउरकेला गुरुद्वारा रोड नियर प्रिंस टेंट हाउस। ओके, राउरकेला गुरुद्वारा रोड नियर प्रिंस टेंट हाउस गली, ए बस रेलवे स्टेशन के आसपास है, नियर रेलवे स्टेशन। एक मिनट और मैं बताऊँ आपको, ये अनिल सैलून है, ओके, और स्टेशन के जस्ट बिसाइड में। एंड अपना मोबाइल नंबर बताइए। 93, मैं दिखा देता हूँ, ये है, ये वाला है जी, दिस वन गाइज इन द मिडल, 9348526989। हिज नेम इज अनिल, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नंबर, 9348526989। Someone asking that are American able to donate? So the guys are not having PayPal link, so I will mention my PayPal link over there. So anyone from any country, they can donate in my PayPal. Whatever the donation I will get, I will just hand over to him. It's a time to prove our humanity towards the human. और क्या बोलूँ बाबा, आप कुछ बोलेंगे? बाबा इज अल्टीमेट। एंड एक बार खड़े हो जाओ यार तुम। एंड रियली ही इज अ ब्रेव, ही इज वेरी ब्रेव। अगर तुम हीरो हो एकदम, एक बार स्माइल करो एकदम अच्छे से, और बता दो कौन हीरो पसंद है एक बारी? स्पाइडरमैन। और एक बताया था ना तुमने, सलमान खान। अरे सब सलमान खान। अच्छा सलमान खान क्यों पसंद है? हाँ वो बॉडी बनाया इसीलिए। हाँ देखो मेरा ही बॉडी है थोड़ा सा। एनीवेज गाइस, प्रॉब्लम्स जो भी हो लाइफ में, मैंने तो अपने लाइफ से यही सीखा है कि हमेशा हंसते रहना चाहिए, है ना? हंसता मैं कई सिचुएशन में, इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट मनोज मास्टर, जब उसकी साइकिल चोरी हो गई थी, लॉट ऑफ पीपल कमेंट की यार तुम हंस क्यों रहे। पता नहीं मैं ऐसे ही हूँ, हर सिचुएशंस पे मैं हंसता ही रहता हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम सबके साथ चलती है लाइफ में, हमेशा हंसते रहना चाहिए। कौन सा रास्ता कहाँ से खोले पता नहीं, वी ऑल और ह्यूमन बीइंग, इट्स अ इच वन प्रोसेस। हम कभी भी किसी के काम आ सकते हैं, हमें आना चाहिए इनफैक्ट किसी के काम भी। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलके इनके काम जरूर आएंगे। वी विल सेव दिस सलमान खान, स्पाइडरमैन। सो आई एम, मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो को। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका अकाउंट फ़ोन नंबर दिया ना, फ़ोन नंबर दिया, ठीक है। अभी मैं सारा डिटेल्स को एक बार फोकस कर दे रहा हूँ, आप जिसको डिटेल्स देखना है आप इधर देख सकते हो। और इनका अकाउंट नंबर आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, माय पेपल लिंक आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। और आई नो मोस्ट ऑफ द गाइस आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय हिंदी लैंग्वेज, बट सम टाइम आई हैव टू टॉक इन हिंदी बिकॉज दे गाइस आर नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉपर इंग्लिश। सो आई विल राइट इच एंड एवरी थिंग अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so that you guys also from those who are not from India, they can also understand. And if you guys want to donate, they can donate in my PayPal link.
ओके थैंक यू बाय बाय टेक केयर। अरे यार वो देने